नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, जिनके आंदोलन का आज है 12वां दिन और अपने समर्थकों के साथ जयपुर कूच किया है मीणा ने। पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस रोकने की लगातार कोशिश कर रही है। उधर सांसद किरोड़ीलाल मीणा की आज वार्ता हो सकती है पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से। दोपहर 12 बजे यानी अब से कुछ देर के बाद वार्ता होगी उनकी, ये जानकारी सामने आ रही है पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से। पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी से जांच का मीणा को सुझाव दिया था। अब वही सवाल जो लगातार जी राजस्थान पूछ रहा है कि क्या मीणा मान जाएंगे, क्योंकि एसआईटी से जांच कराने का सुझाव दिया गया था। क्या ये आंदोलन खत्म कर लिया जाएगा इस वार्ता के बाद? क्या बात से कोई बात बनेगी या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या मुसलसल ये धरना यूं ही जारी रहेगा? ये सवाल अब लगातार बना हुआ है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, लाइव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जयपुर से लगातार मीणा आगे बढ़ते हुए और पुलिस का भरसक प्रयास कि रोका जाए इन तमाम युवाओं को, पुलिस का भरसक प्रयास कि मीणा को आगे बढ़ने से रोका जाए। और बड़ी अपडेट जो लगातार हम आप तक साझा कर रहे हैं कि 12 बजे पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव वार्ता कर सकते हैं किरोड़ीलाल मीणा से। हालांकि आपने अभी सुना, जब सहयोगी ने बातचीत की किरोड़ीलाल मीणा से तो कहा गया कि पिछले कई दिनों से बातचीत ही चल रही है, बात से कोई बात बन नहीं रही है। तो हालांकि आज 12वां दिन है, आज बात से बात बन जाएगी, क्या मीणा मान जाएंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, आपको पुलिस की मौजूदगी नजर आएगी, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और ये बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस की मौजूदगी और युवाओं को लगातार रोकने की कोशिश लगातार पुलिस की ओर से यहाँ की जा रही है, मीणा को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ युवा मौजूद हैं जिनके साथ आपको मीणा नजर आएंगे किरोड़ीलाल मीणा आगे बढ़ते हुए। और पिछले कई दिनों से मीणा की ओर से यही कहा जा रहा है दो टूक की सीबीआई जांच से कम में वो नहीं मानेंगे, सीबीआई जांच से कम में नहीं मानेंगे, पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से हो यही वो चाहते हैं। और जब तक ये मांग पूरी नहीं करेगी सरकार, लगातार यह आंदोलन जारी रहेगा। अशोक गहलोत का भी शासन करने का कोई तुक नहीं है। 16 परीक्षाएं हुई, 16 के 16 लीक हुई। इसका प्रमाण सबसे बड़ा यह है कि 10 पेपर रद्द करने पड़े, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, डीपी जारोली को बर्खास्त किया और 4 प्रिंसिपल को बर्खास्त किया। इसका मतलब प्रमाण तो हैं, तथ्य तो हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे रहने का कोई तुक नहीं है, उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ आपने सुना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले कई दिनों से बातचीत ही हो रही है लेकिन बातचीत से बात बन नहीं रही है। 12 बज चुके हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि 12 बजे वार्ता करेंगे पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव किरोड़ीलाल मीणा से। सहयोगी विष्णु का मेरे को करना चाहूंगी, जो कि लगातार इस खबर से जुड़ी एक एक अपडेट साझा कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विष्णु, मैं आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ, क्योंकि 12 तो बज चुके हैं विष्णु, 12 बजे का वक्त दिया गया था कि वार्ता हो सकती है पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से। टनल में पहुंच चुके हैं सांसद किरोड़ीलाल मीणा, बात करते हैं सांसद किरोड़ीलाल मीणा से। बात करते हैं सांसद मीणा से, डॉक्टर साहब कहाँ तक पूछ करने का इरादा है? जहाँ सरकार मिल जाएगी वहाँ रुक जाएंगे। लगातार सरकार को ढूंढ रहे हैं आप, 12 दिन आज 12 दिन हो गए। लगता है सरकार को ढूंढ रहे हैं, सरकार नहीं रही, लगता है सरकार अब मिल जाएगी। सरकार में मिलने गाड़ी गुड़ी में मिलने की संभावना है सरकार। विष्णु, आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, बातचीत यहां पर की जा रही थी, सहयोगी बातचीत कर रहे थे यहां किरोड़ीलाल मीणा से और कह रहे हैं कि जहां सरकार मिल जाएगी वहीं पर। पुलिस जैसे पहले आपको रोक चुका, तो क्या क्या किस तरह से आज रुकेंगे? नहीं, चाहे पुलिस लाठी मारे, चाहे गोली मारे, चाहे जेल में डाले, अहिंसात्मक तरीके से हम सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से रहेंगे। लगातार सरकार को ढूंढने निकले सांसद मीणा, ये कह रहे हैं कि चाहे लाठी मारे चाहे गोली लगे, लेकिन सरकार को ढूंढ कर रहेंगे और जब तक सरकार नहीं मिलेगी तब तक इनका अनवरत कूच लगातार रहेगा। इस टनल में है, ये जो सुरंग बनी है उसमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद है हम लोग, और जो अभ्यर्थी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बार पुलिस ने
रोकने की कोशिश की थी यहाँ पर, लेकिन अभ्यर्थी नहीं रुक पाए। लगातार आप देख सकते हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो पुलिस कर्मी है उनकी तादाद इस समय काफी कम है, ऐसे में जी ये अभ्यर्थी नहीं रुक पाए उनसे, और अब लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। टनल का लगभग दूसरा सिरा आने वाला है और पुलिस कर्मी का जो जाप्ता है वो इस बेरोजगारों की भीड़ के आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी रोकने के प्रयास नहीं हुए। संभवतः टोल प्लाजा आने वाला है जहां पर सांसद मीणा के काफिले को रोका जाए, और उस दौरान जो सांसद मीणा ने कह दिया चाहे लाठी चले गोली चले वो रुकने वाले नहीं है। ऐसे में आप लगातार देख सकते हैं कि काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं कुछ अभ्यर्थियों से, क्या कहना है आपका? सीएचए ने जो बढ़ रहे हो आगे, क्या कहना? अभी लाठी लगेगी या कुछ करेगी? अब वो लगेगी जो लगेगी। अब आर पार की लड़ाई है हमारी। कांग्रेस सरकार ने बहुत तानाशाही कर ली हमारे ऊपर। हम 9 महीने शहीद स्मारक पे धरना दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें वहां से खदेड़ के भगा दिया। आपको लगता है इस तरह से न्याय मिल जाएगा आपको? तो क्या करे, संवेदनशील सरकार के सामने गांधीवादी तरीके से 3 महीने तक शहीद स्मारक बैठे रहे। सरकार ने हमें लाठीचार्ज करके वहां से उठा दिया, और अब 10 महीने से हम लगातार आंदोलनरत है। हम 10 महीने से लगातार सरकार के चरण पकड़ रहे हैं, सर हमें न्याय दो, न्याय दो, लेकिन सरकार हमसे बिल्कुल भी नहीं सुन रही हमारी, बिल्कुल भी मांगे बताए। अब बिल्कुल इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार इनके बिल्कुल नहीं सुन पा रही है। अब टनल का दूसरा सिरा आने वाला है, पुलिस कर्मी नहीं रोकने की कोशिश फिलहाल भी नहीं कर रहे, तो ऐसे में ये जो काफिला ये बढ़ता जा रहा है। अब डॉक्टर मीणा कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं मिलेगी तब तक लगातार ये इस तरह से विष्णु बातचीत करते रहेगा किरोड़ीलाल मीणा से, क्योंकि उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर अब क्या रुख रहेगा किरोड़ीलाल मीणा का। क्योंकि सुझाव दिया गया था SIT से जांच करवाने का, तो अगर ये सुझाव फिर से अगर दिया जाता है मीणा को तो क्या मीणा मान जाएंगे? और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमने बुलडोजर चलवा दिया, SOG जांच कर रही है इस मामले में, सख्त कानून लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल मीणा, सांसद मीणा कह चुके हैं कि जो ये जांच है वो CBI से कम नहीं है और सरकार उनको ढूंढती है या क्या करती है। आप देख सकते हैं यहाँ वाहनों के बीच में अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आ गए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए बात करवाई जा रही है उनको प्रशासन से। आप सीधी तस्वीरों के देख लिए कि बात करवाई जा रही है, जो DCP है राजीव पचार उनसे बात करवा रहे हैं, जो RPS है सब DYSP है वो राजीव पचार से बात करा रहे हैं, और युवाओं में आक्रोश है, टनल के बीच में पहुंच चुके हैं। आप सीधी जो नारेबाजी कर रहे हैं वही पुलिस अधिकारी है जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाइश की जा रही है। आप देख सकते हैं क्या लगता है डॉक्टर साहब क्या रहेगा, क्या रहेगा बातचीत का, क्या सिलसिला, क्या कुछ? डॉक्टर मीणा को RPS अधिकारी हैं, उन्होंने बातचीत करने के लिए कहा और वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो काफिला वो आगे बढ़ता जा रहा है। DCP राजीव पचार वहाँ उनका फोन करवाया गया, उनसे बात करवाई जा रही, वो बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार है। क्या सांसद मीणा सरकार के किसी अधिकारी के अलावा पुलिस अधिकारियों से बात करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये गौर करने वाली बात है। अब बातचीत का न्योता आया, आप जो रोड पर निकले हैं तो बातचीत का न्योता आया है, और वो भी DCP कह रहे हैं, क्या DCP स्तर पे बात हो पाएगी? ना कोई DCP साहब से, DCP भी सरकार है लेकिन DCP का हाथ में कुछ नहीं है बेचारे के, में जिसके हाथ में है उससे मिलेंगे उसके हाथ में। आपको क्या लगता है कि अब आपका ये काफिला देखकर घबरा रहे हैं प्रशासन? और क्योंकि प्रशासन क्यों घबराएगा जी, ऐसे तो हजारों लोगों को मार देते हैं, रौंद देते हैं, लाखों लोगों की आवाज़ नहीं सुनते, वो तो लाखों लोगों को जयपुर में लेकर पड़ेगा तब ये मानेंगे, वैसे मानने वाले नहीं। अच्छा, क्योंकि PM की रैली के बाद आपने कहा जैसा कि लगातार लाखों की सफल रैली के बाद में लाखों लोगों को लेकर जयपुर में घुसूंगा, तो सरकार को सुनना पड़ेगा, आपका हमेशा लगातार कहते आ रहे हैं। सरकार सुनेगी नहीं तो हमको जेल में बंद कर दे, गोली चला दे, लाठी चला दे, हम उसके लिए तैयार। अब आर पार की लड़ाई एक तरह से जो इन बेरोजगारों के लिए आर पार की लड़ाई, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सांसद मीणा का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई है, बेरोजगार सरकार 12 दिन से सुन नहीं पा रही है, ऐसे में मीणा के पास कोई और रास्ता नहीं है, इनका कहना है जैसा इनका कहना है, और ये लगातार निकल रहे बेरोजगार अभ्यर्थी। आप देख सकते हैं
लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। एक बार वार्ता की कोशिश की, बातचीत की कोशिश की गई, जो आरबीएस अधिकारी हैं उन्होंने बात करवाने की कोशिश की, लेकिन मीणा का काफिला आप देख सकते हैं, गुड़ी का टनल दूसरा सिरा जो जयपुर की तरफ वाला है वो आने वाला है। लगातार बातें कर सांसद मीणा ने कहा कि डीसीपी राजीव पचार से बातचीत हुई है, लेकिन उनके पास बातचीत करने को कोई कुछ नहीं है, ऐसे में बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मीणा दौड़ लगा रहे हैं मीणा, आप देख सकते हैं सांसद मीणा दौड़ लगा रहे हैं यहाँ पर घाट की गुड़ी टनल में। जोश युवाओं में आ गया है, इसका परिणाम क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार सांसद मीणा धैर्य के साथ 12 दिन से धरने पे थे, आज अचानक धैर्य जवाब दिया और वो बाहर निकल पड़े हाईवे पर। हालांकि पुलिस अधिकारी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। ये जो हुजूम है ये आगे बहुत बड़े भीड़ में भी चेतावनी है। ट्रेलर तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर, आगे बढ़ते हुए मीणा आपको नजर आ रहे हैं। अब जानना ये होगा यहाँ कि विष्णु ये बताइए कि ये कूच कहाँ जाकर थमेगा, क्या प्रशासनिक स्तर पर अगर कोई वार्ता होती है तो क्या मीणा मान जाएंगे या सरकार से बातचीत करनी है मीणा को? तो हाथों में तख्तियां लिए ये तमाम हजारों की संख्या में जो युवा मौजूद है वो आपको नजर आएंगे और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और कहा जा रहा है मीणा की ओर से, किरोड़ीलाल मीणा की ओर से, कि आंदोलन यूं ही जारी रहेगा कि चाहे हमें जेल में डाल दिया जाए, गोली चला दी जाए, हम सीबीआई जांच से कम में इस मामले को लेकर, पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए इससे कम में हम नहीं मानेंगे और यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है रोकने की और समझाने की भी भरसक कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। तो सवाल वही बना हुआ है जो पहले दिन से खड़ा हुआ था जब ये आंदोलन शुरू किया गया था कि आखिर अब मीणा का क्या रुख रहेगा सीबीआई जांच अगर सरकार नहीं मानती, क्योंकि फ्रंट फुट पर आकर खुद पार्टी के नेताओं ने कह दिया है कि सीबीआई जांच अगर कराएंगे तो सालों तक ये मामला अटक जाएगा और इसका सीधा असर पड़ेगा अभ्यर्थियों की भर्तियों पर, तो ये सरकार नहीं चाहती है। आगे पुलिस तो अगर बीच का रास्ता निकाला जाता है तो क्या मीणा मान जाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। विष्णु सुन रहे हैं आप? तो नारेबाजी करते यहाँ हजारों की संख्या में युवा आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और किरोड़ीलाल मीणा दौड़ लगाते हुए इन युवाओं के साथ आपने देखा था आगे बढ़ते हुए, और यह आंदोलन यूं ही हमारा जारी रहेगा चाहे सरकार कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, हम मानने वाले नहीं है जब तक इस मामले में सीबीआई की जांच सरकार नहीं कराती, क्योंकि तमाम तरह के गंभीर आरोप मीणा की ओर से लगाए गए हैं इस मामले को लेकर कि उन्होंने ये तक कह दिया कि पार्टी के कई नेता इसमें शामिल है इसलिए सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई की जांच कराए। उन्होंने ये बोल दिया कि सरकार इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है तभी सीबीआई की जांच नहीं कराई जा रही है। उधर पार्टी के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सालों तक ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा इसलिए हम सीबीआई की जांच नहीं करा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मामले में लगातार जारी है, लेकिन बीच का रास्ता निकलता हुआ बनता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। तो अब ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं आगे बढ़ते हुए, ये युवा मौजूद है यहाँ पर, तो आज क्या रुख रहेगा प्रशासनिक स्तर पर अगर बातचीत होती है, सुझाव अगर दिया जाता है या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है कि तो क्या मीणा मान जाएंगे। और वही सवाल जो मैंने शुरुआत में खड़े किए थे कि मीणा क्या पार्टी या पार्टी के नेताओं से या सरकार से या मुख्यमंत्री से बातचीत ही करना चाहते हैं प्रशासनिक स्तर पर, वो नहीं मानेंगे अगर कोई, जैसे हमने आपको दिखाया कि अभी डीएसपी मौके पर पहुंचे थे उनकी ओर से बातचीत करने की कोशिश की गई थी, और उसके अलावा पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी इस मामले को लेकर उनसे पहले बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बात से बात नहीं बनी थी। तो अभी आंदोलन लगातार जारी है, तो मीणा भी लगातार कह रहे हैं इस मामले में कि बात तो हो रही है लेकिन बात से बात तो नहीं बन रही है, कोई हमें जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं सीबीआई की जांच कराई जाए तो सीबीआई की जांच तो नहीं कराई जा रही है, तो जब तक वो जांच नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरे, ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सूरत हाल
बताती हुई। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे कूच कर रहे हैं हजारों की संख्या में युवा यहाँ, और इनके साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद है। तो समर्थकों के साथ जयपुर कूच कर लिया है। सीबीआई जांच की मांग लगातार किरोड़ीलाल मीणा की ओर से की जा रही है, और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि इस मामले में बीच का रास्ता तो नहीं निकल रहा है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। शांति धारीवाल को आपने सुना था, सदन में दो टूक कह दिया गया था कि नहीं, सीबीआई की जांच नहीं होगी इस मामले में, 8 साल तक ये मामला चला जाएगा ठंडे बस्ते में और हल कुछ नहीं निकलेगा और इसका असर पड़ेगा सीधा भर्तियों पर। लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा लगातार यही मांग कर रहे हैं पहले दिन से और आज 12वां दिन है, सीबीआई की जांच से कम में हम नहीं मानेंगे। तो युवाओं में गुस्सा देखा जा रहा है, हाथों में तख्तियां लिए बड़ी संख्या में यहाँ युवा मौजूद हैं। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूछ कर लिया इन तमाम युवा बेरोजगारों ने, और किरोड़ीलाल मीणा भी इनके साथ मौजूद हैं। आपसे अब सवाल यही जो मैंने शुरुआत में उठाए थे कि आखिर कूच कहाँ थमेगा, ये कूच क्या ये धरना यूं ही आगे जारी रहेगा या आज कोई बीच का रास्ता इस मामले को लेकर निकाल लिया जाएगा।